ये एल्बो मुनसरा से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं ये देर से इंतजार कर रहे हैं हेलो 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 हाँ जी क्या हाल कैसे हैं हाँ? हेलो जी बिल, जी बिल्कुल ठीक ठाक आपका आवाज आ रही है आ रही है जी आ रही है हाँ जी जी हाँ आई आई एम सॉरी आई आई मिस यू कॉल मैं बहुत बिजी हूँ दिन का टाइम है आई एम इन यू मेरे बच्चे हैं हाँ। तीन अच्छा। under five years of age, so I was just running up and down. मैंने फोन इसीलिए भी उठा था।

मेरी एज अब क्लोज टू आई एम ऑलमोस्ट 40 इयर्स ओल्ड नाउ और आई हैव थ्री किड्स आई एम मैरिड आई एम अ करियर ओरिएंटेड वुमन मेरी सारी जिंदगी समझे सिंस टीनएज इयर्स ये सारे सवालात जो आपके जहर में आते हैं और आपको देयर इज नो प्लेस टू वेंट आउट टू शो योर एंगर टू क्वेश्चन और अब जब ये वाले कुछ आप लोगों ने चैनल्स खोले हैं तो इट्स वेरी ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फॉर अस कि हमें ये पता चला है कि हमारे दिमाग खराब नहीं है हम पाल नहीं हैं ऑल दीज पीपल जिन्होंने सारी जिंदगी यही सोचा है कि शायद हमारे अंदर शैतान बस गया है शैतान बैठ गया है उनको अब थोड़ा समझ आने लगा है कि हम अकेले नहीं हैं बस मैंने यही कहना था कि आप लोगों की वजह से हमें ये पता चला है कि हम शैतान नहीं है हम इवल लोग नहीं हैं जो खुदा के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं या इन लॉज को क्वेश्चन कर रहे हैं इन इन लॉज को क्वेश्चन कर रहे हैं मेरी uh, uh, क्या कहते हैं इसको uh, बीच में एक टाइम ऐसा आया कि मैं बहुत कट्टर मुसलमान हो गई मैंने सारे काम छोड़ दिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी मैंने अपने बड़े अच्छे अच्छे दोस्तों को छोड़ दिया जो कि मेल फ्रेंड्स थे मेरे mm -hmm. और मैंने हर तरह कोशिश की टू बी कमिटेड टू गॉड राइट लाइक भाई कितनी पाबंदियाँ डालोगे सही है सब कुछ करा बट सुकून नाम की कोई चीज़ ज़िंदगी में उस टाइम पर कभी भी नहीं आई एंड एवरी थिंग वो सो एंटी नेचर आपकी फ़ितरत के सारी डिमांड्स अलग हैं ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो एन फितरत है मैं कहती हूँ एन फितरत के ख़िलाफ़ है हर लॉ एन फितरत के ख़िलाफ़ है आपकी जो चीज़ बोल मतलब आई डोंट नो एनी वे सो मैं आपको अप्रिशिएट कर रही थी मेरी सबसे पहले जो एक वीडियो गलती से मेरी नज़रों से गुजरी थी वो वो की गालिब नहीं क्या नाम है इनका हारिस सुल्तान की थी हारिस की थी, थी जिसमें वो वो जिक्र कर रहे थे मोहम्मद की दो बीवियों का जो जो कुरान शरीफ में जिक्र आया ना अबाउट कुछ कहते हैं वो शहद के बारे में कुछ कहते हैं कि वो किसी लॉन्डी से उन्होंने सेक्स कर ली थी हफ्सा की बारी पे समथिंग लाइक दैट वो वाली वीडियो में ही नज़र से गुजरी थी और मैंने पहली दफ़ा वो पर्सपेक्टिव सुना और लिटरली जब मैंने पहली दफ़ा वो सुना था वो आज से दो साल पहले की बात है सिर्फ़ दो साल पहले की डेढ़ साल दो साल पहले की बात है। मैंने आधी वीडियो बीच में बंद कर दी मुझे मुझे इतना खौफ आया कि सुनने से भी मैंने जहनों में जल जाना है और उसके बाद कोई छः आठ महीने मैंने इस तरह की कोई वीडियो दोबारा नहीं खोली मैंने हारिस को दोबारा सर्च नहीं किया लेकिन ये मेरे जहन से निकली नहीं है ये कि ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है और ऐसे कोई मतलब ही वॉज टॉकिंग सो ही वॉज़ एक्चुअली मेकिंग फन ऑफ इट राइट तो ये जो ये मैं मैं हैरान थी बहरहाल वो चीज़ मेरे जहन में रह गई और फिर तकरीबन छः आठ महीने तक मैं अपने स्ट्रगल में रही जो दूसरे सारे मसाइल हैं कॉमन जो हर एक को सभी मुझे लगता है हर कम अज कम एक नेक, नेक इंसान है अगर वो मुसलमान है और अच्छा इंसान है एक्चुअली तो उसके दिल में ये सारे सवाल आते ही हैं आते ही हैं कुछ भी कर लें आप जैसे ग़ुलामी हो गई रेप हो गया मतलब ऑल दीज ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको इन इन चीज़ों के ऊपर तकलीफ ना हो ये मुमकिन नहीं है बहरहाल मैं उस स्ट्रगल से गुजरती रही तलाक के इनके जिस तरह के लॉज हैं डिवोर्स के औरत डिवोर्स ले नहीं सकती एक खुला ले सकती है खुला की एक मुसीबत वगैरह वगैरह अल्लाह का शुक्र है मेरी ज़िंदगी में इस तरह के कोई मसाइल नहीं आए कभी भी आ, मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में सो इट्स नॉट कि मैं कोई सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड थी इट्स जस्ट बग़ैर उस जगह पे हुए हुए भी मुझे मुझे था कि ये बहरहाल नासाफ़ी तो है मेरे साथ नहीं हो रही लेकिन हो भी सकती है कल को हु नोस तो जिस तरह आप लोग हैं अगैन ये आपके मसाइल नहीं हैं आप आप तो एक खातून भी नहीं हैं उसके बावजूद भी यू डू अंडरस्टैंड के ह्यूमानिटेरियन लेवल पे ये इश्यूज़ कितने बड़े इश्यूज़ हैं राइट आई डोंट हैव टू सफ़र मैं जिससे सवाल करती हूँ मुझसे ये कहते हैं भाई तुम्हें क्या मसला है इन सब बातों का तुम तुम्हें इस स्लेवरी से क्या इशू हो रहा है भाई मतलब दैट्स नॉट द पॉइंट कि मुझे क्या इशू हो रहा है आपको भी होना चाहिए हर किसी को होना चाहिए एक खुदा जिसने इतनी क्रिएशन बनाई एक तो वो इतना पेटी है कि वो वो चाहता है हर कोई उसकी गुन गाता रहा हर वक्त वो इतना टॉक्सिक है लोग हर वक्त शेयर कराते हैं ये कहावत मुझे इतनी बुरी लगती है वो कहते हैं कि जब आप पे मुसीबतें डालता है या आपके करीब के सारे लोग को आपको असल रंग दिखाता है ताकि आप उसको पुकारो आपको पता चले कि आपका उसके अलावा कोई और नहीं है तो मैं कहती हूँ तो इतना टॉक्सिक ट्रेट है कि आप उसके सारे क्लोज लोगों से उसको कट ऑफ करके आप कह रहे हो कि ये वो स्टॉक सिंड्रोम जिसको कहते हैं कि अब आप अपने जो एक ालिम शख़्स आपके पास रह गया आप उसी से मोहब्बत करने लग जाओ ये खुदा ये इस खुदा का ट्रेट कैसे हो सकता है जिसने ये कायनात बनाई है कैसे हो सकता है तो ये सारे सवाल मेरे जहन में आते रहे फिर उसके छः आठ महीने के बाद वीडियो के बाद मैंने फिर हारिस को दोबारा ढूंढा सर्च किया मुझे नाम भी याद नहीं था तो मैंने ऐसी थोड़ा थोड़ा याद करके कोशिश करके मैंने सर्च करना शुरू किया तो चैनल पॉपअप हुआ मेरे सामने उसके बाद फिर आप इंड लिंक्ड बहुत सारे और लोगों की मैंने वीडियो सब्सक्राइब किए एंड उस वक्त से जितना सुकून मेरी ज़िंदगी में आया है ना

सच बिग लाइज और मुझे मुझे हैरत होती है कि इस दुनिया में 2021 में इस अब जाके मैंने एक्चुअली ये सब कुछ डिस्कवर किया है बट मैन एम आई हैप्पी तो ये ये मैं कहूँगी वही एक वीडियो थी जिसने मुझे हिम्मत उसी वीडियो ने दी थी उसके बाद मैं अपने अंदर स्ट्रगल करती रही और फिर मैंने सुनना शुरू किया तो उसके बाद तो आप लोगों ने दिमाग के बड़े बड़े दरवाजे खोले हैं मुझे आपके मोनोलाग बड़े पसंद है अभी मैं आपकी डिस्कशन सुन रही थी अबाउट

हाँ फ्रीविल इस्लाम और क्यामत का झूठ अच्छा ये, ये वीडियो का टाइटल है कोई ये आप देखिएगा इसको ये ये वीडियो है तो आप इसको देख लीजिएगा तो आपको पता चले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका थंबनेल यहाँ पे तीनों इसका लिंक जो है ना यहाँ से निकाल लेना तीनों आपना। तो एक सेकंड ये आप देखिए ये है वीडियो ठीक है ये वाली फ्री विल इस्लाम और क्यामत का झूठ ठीक है सही ये बेसिकली 25 मिनट की वीडियो है हाँ, क्या हमारे पास फ्री विल है ये मेरा मोनोलॉग भी है हम्म हम्म तो ये दो वीडियोस आप अगर देखेंगी तो आपको समझ आ जाएगी कि फ्री विल के बारे में मेरा क्या पर्सपेक्टिव है और प्री डेस्टिनेशन को मानते हैं आप किसी हद तक नाओ no? प्री डेस्टिनेशन आप देखिएगा ना उसको जरूर तो आपको समझ आ जाएगा दोनों चीजें कवर हो रही हैं उसमें ठीक है उसमें होंगी दोनों चीजें कवर ठीक है ठीक है चलें, है, है। चलें। सही सही आपसे फिर दोबारा बात होगी, ठीक ठीक है, है, सही है।, है।, है आपना बहुत ख्याल रखिए ओके ओके फिर बात करेंगे आपसे ओके, बाय लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है